गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बिजनेस स्टडीज क्लास। इन टुडेस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ यूनिट 11, दैट इज मार्केटिंग मिक्स। व्हाट इज मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स मींस द सेट ऑफ वेरियस मार्केटिंग टूल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन to achieve the desired objectives of marketing. In an organization, various decisions with respect of marketing are offered by a large number of factors, some of which are controllable and while the others are non-controllable. Controllable factors refers to factors which can be controlled, influenced by the firm. For instance, price, branding and advertising. And non-controllable factors refers to the factors which cannot be controlled at the level of firm. For example, government policies, inflation or the policies of commercial banks. Well, students, marketing mix real mein kya hai? Ki marketing mix hai कि जो वेरियस टूल्स हैं किसके, मार्केट के जो वेरियस टूल्स हैं उन सब के अगर कॉम्बिनेशन को हम लेकर चलते हैं और वो कॉम्बिनेशन किसके लिए हमने सेट किया है, क्योंकि हम मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं और मार्केटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो मार्केटिंग टूल्स हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो टू टाइप्स के फैक्टर से अफेक्टेड होते हैं। वन इज कंट्रोलेबल फैक्टर एंड अदर इज नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। कंट्रोलेबल फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बिजनेसमैन का कंट्रोल है, वो उन्हें काफी हद तक चेंज कर सकता है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। प्राइस सेट कर सकता है खुद, ब्रांडिंग खुद कर सकता है, एडवर्टीजमेंट को किस लेवल तक करना है ये डिसाइड कर सकता है। लेकिन जो नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर बिजनेसमैन का अपना कोई कंट्रोल नहीं है, गवर्नमेंट जो है बिजनेस से रिलेटेड पॉलिसीज को कभी भी चेंज कर सकती है बट बिजनेसमैन उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। बैंक कभी भी अपने इंटरेस्ट रेट्स को चेंज कर सकते हैं, उसके ऊपर बिजनेसमैन का कोई कंट्रोल नहीं है। दीज आर द नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। टू अचीव द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग ए फर्म कॉन्टिन्यूसली अल्टर्स द वेरियस कंट्रोलेबल फैक्टर्स। देखो कि मैंने अभी आपको क्लियर भी किया ये बात कि कंट्रोलेबल फैक्टर्स के ऊपर बिजनेसमैन का कंट्रोल है अपने ऑब्जेक्टिव्स को, अपने ऑब्जेक्टिव मीन्स मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बिजनेसमैन अपने कंट्रोलेबल फैक्टर्स में प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, ब्रांड नेम ऑफ प्रोडक्ट, एडवर्टीजमेंट लेवल, उसमें किसी भी टाइप का चेंज कर सकता है, वो उसके हाथ में है। दीज फैक्टर आर आल्सो नोन एज मार्केटिंग टूल्स फ्रॉम द बेसिक पिलर्स ऑफ मार्केटिंग। फ्रॉम द वेरियस अवेलेबल मार्केटिंग टूल्स ए फर्म चूजेस द मोस्ट सुटेबल एंड बेस्ट कॉम्बिनेशन। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ मार्केटिंग टूल्स यूज्ड बाय द फर्म इज कॉल्ड ए मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, रिपीट कर रही हूं बेटा मैं इसी बात को कि मार्केटिंग मिक्स क्या है, कि सेट ऑफ वेरियस मार्केटिंग टूल्स है, ठीक है, और वो मार्केटिंग टूल्स कौन से हैं, जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स है ना वही हमारे मार्केटिंग टूल्स हैं। इन कंट्रोलेबल फैक्टर्स के एक बेस्ट कॉम्बिनेशन को बिजनेसमैन ने सेट करना है ताकि वो अपने मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। इज इट क्लियर? यस। In the concept of marketing, on one side there is customer and on the other side there is producer or marketer. The firm looks for having transaction with the customer, but to have a transaction the firm has to develop a product or service, design it, pack it, name it, price it, promote it and distribute it. All these decisions are the core of marketing mix. बच्चे जब हम मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो मार्केटिंग में एक साइड पर क्या है, हमारे कस्टमर है, और दूसरी साइड पर हमारे क्या है, प्रोड्यूसर या फिर मार्केटर। मार्केटर मीन्स सेलर है, ठीक है। जो कस्टमर है
उसको गुड्स सेल कर रहा है कौन, प्रोड्यूसर या मार्केटर। तो अब प्रोड्यूसर को या मार्केटर को जिन गुड्स और सर्विसेज को सेल करना है, ठीक है, सबसे फर्स्ट वो ने क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, यानी कि वो प्रोडक्ट और वो सर्विस डेवलप करेगा। उसके लिए उसे उसकी डिजाइनिंग पर, उसकी पैकिंग पर जो है कॉन्सेंट्रेट करना होगा, उस प्रोडक्ट और सर्विस का नेम डिसाइड करना होगा, उसका प्राइस सेट करना होगा, उसे एडवर्टीजमेंट की हेल्प से प्रमोशन लाना होगा यानी कि प्रमोट करना होगा, देन उसे डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल सेट करने होंगे, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। और ये सभी डिसीजन जब आपस में प्रॉपर बेस्ट कॉम्बिनेशन में होते हैं तो ही हम इस कंसेप्ट को क्या कहते हैं, मार्केटिंग मिक्स कहते हैं। नाउ द एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स कैन बी क्लासिफाइड इन द फोर कैटेगरीज, जो अभी हमने ये बात डिस्कस की कि प्रोडक्ट को डिजाइन करना है, पैक करना है, नेम रखना है, उसका प्राइस सेट करना है, प्रमोट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो यही सभी फैक्टर्स जो हैं क्या हैं, हमारे मार्केटिंग मिक्स के जो हैं वो मेन फैक्टर्स हैं। थ्रू फाइन मिक्सिंग ऑफ दीज एलिमेंट्स द सुपीरियर वैल्यूज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आर क्रिएटेड फॉर अ कस्टमर। इन सभी फैक्टर्स का एक फाइन कॉम्बिनेशन आपने बनाना है, बेस्ट कॉम्बिनेशन आपने बनाना है, तभी आप अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर पाते हो। और यही क्या है बेटा, मार्केटिंग मिक्स है। ये सभी डिसीजंस जो हैं वो मार्केटिंग मिक्स का कोर है, मार्केटिंग मिक्स का हार्ट है। तो वेरी फर्स्ट कोई भी प्रोड्यूसर क्या डिजाइन करता है, प्रोडक्ट डिजाइन करता है, देन उस प्रोडक्ट के प्राइस डिसाइड किए जाते हैं, मनी जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, देन एडवर्टीजमेंट जो है वो सेलेक्ट किया जाता है, प्रमोशन का मीडिया सेलेक्ट किया जाता है कि आपको रिटर्न फॉर्म में जो है एडवर्टीजमेंट दिया जा रहा है, इंटरनेट की फॉर्म में दिया जा रहा है, ठीक है। देन हम उसका डिलीवरी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम सेट करते हैं कि हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करेगा प्रोड्यूसर या बीच में होलसेलर, रिटेलर, एजेंट्स की हेल्प से इनडायरेक्ट फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो ये सभी जो है वो हमारे मार्केटिंग मिक्स के क्या है, कोर है। और इनका अगर हम बेस्ट कॉम्बिनेशन डिसाइड कर पाते हैं कि प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, प्रमोशनल टेक्निक्स भी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है, डिलीवरी का सिस्टम भी प्रॉपर होना चाहिए, तभी आपका प्रोडक्ट मार्केट में क्या हो सकता है बेटा, सेल हो सकता है। फाइनली वी कैन से दैट मार्केटिंग मिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ फोर पीज। पीज, फोर पीज मीन्स फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट मिक्स, सेकेंड वन इज प्लेस मिक्स, थर्ड वन इज प्राइस मिक्स एंड फोर्थ वन इज प्रमोशन मिक्स, ठीक है। तो आपने बेटा इन फोर पीज के बारे में अब हम जो है इस टॉपिक में, इस यूनिट में जो है वो स्टडी करेंगे। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो फोर पीज हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन हम सभी पी के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। तो वेरी फर्स्ट हम जो डिस्कशन करेंगे वो रहेगा हमारा प्रोडक्ट मिक्स पर। लेकिन प्रोडक्ट मिक्स पर डिस्कशन करने से पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा व्हाट इज प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट क्या होता है। प्रोडक्ट के बारे में हमने कुछ लिटिल बिट इंफॉर्मेशन लेनी है जो हमारे को केस स्टडीज को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स सिग्निफाइज द टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट ऑफर टू द कस्टमर विच इज सेटिस्फायर ऑफ द नीड। प्रोडक्ट इज ए बंडल ऑफ यूटिलिटीज। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट कोई भी ऐसी टेंजिबल और इनटेंजिबल फैक्टर है जो हमारे कस्टमर की नीड को क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। और प्रोडक्ट सिर्फ नीड को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, उसके अंदर बंडल ऑफ यूटिलिटीज है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो हम उसकी यूटिलिटी को फर्स्ट चेक करते हैं। आपको प्यास लगी है, आपको कोई कह रहा है जूस पी लीजिए, कोई कह रहा है कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए, क्या आपकी जो प्यास है वो कोल्ड ड्रिंक और जूस से सेटिस्फाइड हो सकती है, नहीं हो सकती। हाँ, थर्ड पर्सन आपको कहता है जी मेरे पास एक वाटर बॉटल है, आप उससे पानी पी लीजिए, आप फटाफट उस पर्सन की ऑफर एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो प्यास लगी होती है ना तो सिर्फ पानी से ही सेटिस्फाइड होती है, वाटर उसको सेटिस्फाइड कर सकता है, जूस और कोल्ड ड्रिंक जैसे ऑफर्स उसके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है।
वैसे आपको गर्मी लग रही है, आपको बहुत ज्यादा प्यास नहीं लगी हुई है, ठीक है, हम कोल्ड ड्रिंक और जूस को प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन जब वाकई में हमें बहुत ज्यादा प्यास लगी होती है ना, तो उसकी जो सेटिस्फेक्शन है वो हमें कहाँ से मिलती है? वाटर पीने से मिलती है। तो आपके पास तीन ऑप्शन थे, वाटर, कोल्ड ड्रिंक और जूस, ठीक है। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, कि आपकी रियल में नीड क्या है, ठीक है, तो आपको गर्मी लग रही थी, आपको चाहते थे कि कुछ ठंडा ठंडा पिया जाए, ठीक है, तो आप जूस भी प्रेफर कर सकते हो, कोल्ड ड्रिंक भी प्रेफर कर सकते हो, वाटर भी प्रेफर कर सकते हो। लेकिन जब रियल में आपको बहुत प्यास लगी हुई है, तो उस प्यास को सेटिस्फाइड कौन करेगा? वाटर करेगा। तो यहाँ तीनों जो आइटम्स हैं उनकी यूटिलिटीज क्या है? अलग अलग है। तो प्रोडक्ट इज द बंडल ऑफ यूटिलिटीज, ठीक है। प्रोडक्ट में टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों फैक्टर्स आते हैं, वो हम आगे अभी डिस्कस करते हैं कि टेंजिबल और इनटेंजिबल को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इन द टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, ए प्रोडक्ट रेफर्स टू द मिक्स ऑफ वेरियस टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ द प्रोडक्ट विच हैव ए वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज्ड। दे आर कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स। बिसाइड्स फिजिकल गुड्स, ए प्रोडक्ट इंक्लूड सर्विसेस। ए प्रोडक्ट इज डिफाइंड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रोडक्ट, यानी कि फंक्शनल यूटिलिटी, बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ सेटिस्फेक्शन और यूटिलिटी प्रोवाइडेड बाय द कंज्यूमर। आफ्टर सेल सर्विसेज सच एज कस्टमर केयर, एड्रेसिंग कंज्यूमर कंप्लेंट्स एंड टेकिंग फीडबैक आर आल्सो द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। जो एक कंप्लीट प्रोडक्ट होता है ना बेटा, वो टेंजिबल और इनटेंजिबल टू एट्रीब्यूट से मिलकर बनता है, ठीक है। अब जो टेंजिबल प्रोडक्ट है, जैसा कि आप अकाउंटेंसी में टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स का मीनिंग अंडरस्टैंड कर चुके हो, ठीक है, तो वहां से आपको इजी रहेगा कि टेंजिबल जो है वो क्या है जो हमें शो हो रहा है। जैसे हम एक बाइक का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, बाइक की बॉडी है, बाइक का कलर है, बाइक का ब्रांड नेम है, बाइक की सीट है, बाइक का इंजन है, ठीक है, ये सब चीजें टेंजिबल है जो हमें शो हो रही हैं, ठीक है। अगर हम इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स की बात करें, तो बाइक का इंजन कितने सीसी का है, बाइक की माइलेज क्या है, पर यूनिट जो है वो कितना, पर यूनिट नहीं, पर किलोमीटर वो कितना एवरेज देती है, ठीक है, तो ये सारी बातें क्या है, इनटेंजिबल है। अब एक कस्टमर को जब एक प्रोडक्ट सेल किया जाता है, तो फिजिकल फॉर्म में हम सेल करते हैं, यानी कि एक, अगर आप सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं कि हमने किसी एक शॉपकीपर से एक एसी परचेज किया, ठीक है, एसी परचेज किया तो वो फिजिकल गुड हो गई, एसी की जो बॉडी है, एसी जो हमें मतलब स्ट्रक्चर में दिख रहा है, दैट इज फिजिकल गुड। अब एसी का जो ओनर है, यानी कि जो शॉपकीपर है, वो आपको कहता है कि वो आपको एसी के जो इंस्टॉलेशन चार्जेस हैं वो आपसे चार्ज नहीं करेगा, फ्री होम डिलीवरी करेगा, ठीक है, यानी कि आपको कैरेज भी पे नहीं करना है उसके ऊपर, एसी की फर्स्ट टू सर्विसेज भी आपको वो फ्री देगा, ठीक है। अगर कोई कंप्लेंट हो जाती है, मतलब आपकी कोई रिपेयर आ जाती है, तो बहुत अच्छे से वो आपकी कंप्लेंट को सुनते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ये सारी चीजें क्या है, इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स हैं। जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, फिजिकल फॉर्म में हम उसे परचेज तो कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ बहुत सारे इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स भी अटैच होते हैं, ठीक है। जैसे बेटा मैंने आपको यहाँ पर टू एग्जाम्पल देकर क्लियर किया कि अगर आप बाइक परचेज कर रहे हो, ठीक है, तो बाइक की जो बॉडी है, कलर है, ब्रांड है, ये सब किसके पार्ट है, टेंजिबल के पार्ट है। और बाइक का इंजन कितने सीसी का है, बाइक जो है वो पर किलोमीटर कितनी माइलेज दे रही है, ये सब पॉइंट्स क्या है, इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स के पॉइंट्स है, ठीक है। अगर आप एसी परचेज कर रहे हो, तो एसी के इंस्टॉलेशन चार्जेस आपसे चार्ज नहीं किए जा रहे हैं, एसी का जो फर्स्ट टू सर्विसेज हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेगा वो सेलर, ठीक है, तो ये सब उसके क्या है, इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स हैं। टेंजिबल एट्रीब्यूट्स और इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स का कंसेप्ट अब आपको बेटा मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज टाइप्स ऑफ सेटिस्फेक्शन रिसीव्ड फ्रॉम प्रोडक्ट। अभी हमने यूटिलिटी की बात की थी, सेम वही कंसेप्ट यहाँ मैं उसको अच्छे से डिस्कस करने जा रही हूँ कि एक प्रोडक्ट से हमें कितने तरह की सेटिस्फेक्शन मिलती है। क्योंकि अभी मैंने आपको एक लाइन पढ़ाई थी, प्रोडक्ट इज द बंडल ऑफ यूटिलिटीज, ठीक है, कि प्रोडक्ट में बहुत सारी यूटिलिटीज होती हैं, किसी एक यूटिलिटी से वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होता है। एक कंज्यूमर डिराइव सेटिस्फेक्शन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए प्रोडक्ट। सो व्हेन ए कस्टमर डिसाइड टू परचेज ए प्रोडक्ट,
His her main focus is on the utility, which is wood received on consuming it. जब भी हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं ना, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी को हम फोकस करते हैं कि उससे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो हमें कितनी सेटिस्फेक्शन देगा. ठीक है, आप एक 2 रुपीज का पेन, 5 रुपीज का पेन, 10 रुपीज का पेन मोस्टली परचेज करते रहते हो. ठीक है, यू आर ए स्टूडेंट, सारा दिन आपके पेन यूज होते हैं और गुम भी बहुत होते हैं, तो आप उसे परचेज करते रहते हो. तो जब भी आप पेन परचेज करते हो ना, तो आप जरूर एक बार उस पेन को वहीं शॉप पर चला के जरूर देख रहे हो. ठीक है, कि आपका पेन चल रहा है या नहीं चल रहा, क्योंकि जब भी आप 2, 5, 10 रुपीज स्पेंड करने जा रहे हो, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी को आप चेक कर रहे हो कि चलता हुआ पेन लेना है मुझे, बिना चलता हुआ पेन या रुकता हुआ पेन परचेज नहीं करते. यानी कि हम अपने 2, 5 और 10 रुपीज से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन को भी, ठीक है, पूरी तरह से चेक कर रहे हैं कि हम जितनी मनी इसके बदले में पे कर रहे हैं, उतना हमें उसका यूटिलिटी भी मिलेगा या नहीं मिलेगा. या हम ऐसे नहीं करते कि हम मनी दे देते हैं और हम जो है रुका हुआ पेन उससे ले लेते हैं कि पेन नहीं चल रहा है ये. ठीक है, नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि वो हमारी यूटिलिटी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा. तो प्रोडक्ट जब भी हम लेते हैं, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी को आप क्या करते हो, चेक करते हो. ए प्रोडक्ट इज ए बंडल ऑफ यूटिलिटीज. ए कंज्यूमर डिराइव्स वेरियस काइंड्स ऑफ सेटिस्फेक्शन बेनिफिट्स फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए प्रोडक्ट. तो अब कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट से ना 3 टाइप की सेटिस्फेक्शन मिलती है. प्रोडक्ट एक ही है, लेकिन टाइम टू टाइम उसकी जो सेटिस्फेक्शन है, सिचुएशन टू सिचुएशन उसकी जो सेटिस्फेक्शन है, वो क्या हो जाती है बेटा, चेंज हो जाती है. फर्स्ट वन इज फंक्शनल बेनिफिट. अब फंक्शनल बेनिफिट यानी कि जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो उसका फंक्शन क्या है, उसका काम क्या है. आपने एक शर्ट परचेज की, अब शर्ट का काम क्या है, बॉडी को वियर करना. ठीक है, आपने एक स्वेटर परचेज किया, स्वेटर का काम क्या है, बॉडी को ठंड से बचाना. ठीक है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो उसका फंक्शन क्या है. ओके, तो दैट इज अ फंक्शनल बेनिफिट. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल बेनिफिट. अब आपको शर्ट परचेज करनी है, शर्ट वियर करनी है, किस पर्पस के लिए वियर करनी है. आपने स्कूल जाना है, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए आप शर्ट परचेज कर रहे हो, ये उसका क्या है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट है. अब स्कूल यूनिफॉर्म वाली शर्ट पहन के आप किसी पार्टी फंक्शन में जाओगे, नेवर. आप पार्टी फंक्शन में जाना कैंसिल कर सकते हो अगर आपको कोई ये कह दे कि आप स्कूल यूनिफॉर्म की शर्ट पहन के पार्टी फंक्शन में चले जाइए. लोग क्या कहेंगे, ठीक है, इसके पास और कपड़े ही नहीं है. ठीक है, तो हम ये सोचते हैं ना, ऐसी हमारी सबकी थिंकिंग है, सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी है शायद. तो फंक्शनल बेनिफिट तो है, ठीक है, बॉडी को कवर करना है, हमने शर्ट पहन ली. लेकिन साइकोलॉजिकल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट उस शर्ट का, हमने साइकोलॉजिकल बेनिफिट देखना है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन किस तरह की शर्ट पहनकर हम अपने आप को एक्टिव और कॉन्फिडेंट जो है वो फील करेंगे. हम पार्टी में जा रहे हैं, ठीक है, तो हमने बहुत अच्छे पार्टी वियर ड्रेस ही पहनना है, तभी हम अपने आप को एक्टिव, ठीक है, और कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे कि हम भी इस पार्टी का एक बहुत अच्छा पार्ट है. ठीक है, तो हमें साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलेगा. स्कूल में हम पार्टी वियर कपड़े पहन के जा रहे हैं, नो. ठीक है, सभी हमसे पूछेंगे आज कोई स्पेशल डे है कि आज आपने ऐसे कपड़े पहने हैं, नहीं पहनेंगे. स्कूल में हम क्या पहनेंगे, यूनिफॉर्म शर्ट पहनेंगे, यूनिफॉर्म पहनेंगे. ठीक है, लेकिन पार्टी में जाना है तो नो यूनिफॉर्म. तो साइकोलॉजिकल बेनिफिट, अब यहां पर वही चेंज हो गया, शर्ट वही है, पार्टी में जाने की और शर्ट है, स्कूल में जाने की और शर्ट है. नेक्स्ट इज सोशल बेनिफिट. अब सोशल बेनिफिट क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर पर्टिकुलर तरह के जब हम कपड़े पहन रहे हैं, शर्ट ही पहन रहे हैं, ठीक है, वहां आपको जो है पूरे ग्रुप के अंदर कोई स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन मिल रही है, तो वो क्या है आपके लिए, सोशल बेनिफिट है. ठीक है, आप पर्टिकुलर तरह की शर्ट पहनकर आपको जो है एक सोशल रिकॉग्नाइजेशन दी जा रही है. अब जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम प्लेग्राउंड में जा रहे हैं, तो क्या हम प्लेग्राउंड में पार्टी वियर जो है ड्रेस पहन के जाएंगे, नहीं, हम स्पोर्ट्स वियर पहनेंगे, वहां पर अपने ट्रैक सूट पहनेंगे. ठीक है, तो मतलब स्पेशल रिकॉग्नाइजेशन हो गया कि अगर आपने जाना है स्पोर्ट्स ग्राउंड में, तो आप क्या पहनोगे, ट्रैक सूट पहनोगे. ठीक है, लोअर और टी शर्ट पहनकर ही वहां जाओगे, क्योंकि ये वहां का सोशल रिकॉग्नाइजेशन है कि ग्राउंड में सभी बच्चे स्पोर्ट्स वियर पहनकर ही आएंगे. ओके, तो एक प्रोडक्ट जो है उससे हमें बंडल ऑफ यूटिलिटीज मिलती है. वो यूटिलिटीज क्या है उस प्रोडक्ट की, फंक्शनल यूटिलिटीज भी है, साइकोलॉजिकल यूटिलिटीज भी है और सोशल यूटिलिटीज भी है.
तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हो, आपको उस प्रोडक्ट से किस तरह की यूटिलिटी चाहिए, किस तरह का बेनिफिट चाहिए। ठीक है, आपको सिर्फ ऐसा कुछ चाहिए, आपको ऐसी शर्ट चाहिए जिससे आपको अपनी बॉडी को कवर करना है, कोई भी परचेज कर सकते हो। आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट लेना है उस शर्ट से, ठीक है, तो आपको पार्टी में जाना है, पार्टी वेयर परचेज करोगे, स्कूल में जाना है, यूनिफॉर्म परचेज करोगे। सोशल बेनिफिट लेना है, सोशल यूटिलिटी लेनी है, तो किस सिचुएशन में आपने उस ड्रेस को वियर करना है, स्पोर्ट्स ग्राउंड के लिए करना है, स्कूल कैंपस के लिए करना है, पार्टी के लिए करना है। ठीक है बेटा, तो आप ये बात डिसाइड करोगे कि आपको उस प्रोडक्ट से किस तरह की यूटिलिटी चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट द वेरियस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा, जो नेक्स्ट वीडियो होगा, उस पर हम मूव करेंगे प्रोडक्ट मिक्स में। अभी हमने प्रोडक्ट मिक्स का बेसिक अंडरस्टैंड किया। प्रोडक्ट मिक्स का बेसिक क्या था कि हमें प्रोडक्ट के बारे में जानना था कि व्हाट इज प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट की नेचर क्या होती है, प्रोडक्ट से हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये सब हमने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया। आई होप बेटा कि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ अंडरस्टैंड हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।